नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के रिवीजन की। लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आते हैं, जिनसे सवाल बनाए जाते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। और आज कुछ और बातें कर लेते हैं। स्प्रिंग वाले काटने पिटने वाले सवाल, एक आध बंदर वगैरह देख लेते हैं। फिर एनएलएम इतना ही है यार, बाकी जो सवाल आते हैं मतलब कॉन्सेप्ट इतने ही है। आप प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व कीजिए, बुकलेट सारा सॉल्व कीजिए, है ना। तो जो भी डाउट है वो आप डिस्कस कीजिएगा ग्रुप पे फैकल्टी के साथ से। जहां जहां आपको डाउट पूछना है वहां पूछिएगा और वो सारे डाउट क्लियर कीजिएगा। बस दैट्स ऑल, मतलब इतना करेंगे फिर मस्त रहने का। चलिए तो बातें शुरू करते हैं आज की लेक्चर नंबर 4। और ये खत्म हो जाएगा एंजल, फिर अपन नेक्स्ट टाइम से फ्रिक्शन देखते हैं। कार लेक्चर में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा एंड सो ऑन, मतलब एंड शॉर्ट एंड प्रिसाइज, जिसमें अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे एक बंदर वाला सवाल लेते हैं। बंदर के बगैर मतलब जो है, बगैर बंदर के एनएलएम सूला सा लगता है। एनएलएम में अगर बंदर ना आए तो क्या है, मतलब है। तो मान लीजिए कि एक रॉड है, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, एक रॉड है। मान ठीक है भैया, ये रॉड हो गई। कैसी रॉड है? मासलेस रॉड है। कैसी रॉड है? मासलेस रॉड। ठीक है, इस पे क्या है? इस पे एक बंदर है। बंदर कैसे बनाएंगे? माना कि ये बंदर है, क्या है, ये बंदर है, ये बंदर है। अच्छा भाई साहब, कितने केजी का बंदर बना दें? माना कि ये अपने पास एक 10 केजी का बंदर रख देते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक 10 केजी का बंदर है। अच्छा, एक और बंदर ले आते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक और बंदर है मेरे पास, और ये टांगे करवा देते हैं, पीछे पूंछ करवा देते हैं। इसको कर देते हैं 8 केजी का। ठीक है, ये बंदर ऊपर जा रहा है और ये वाला बंदर मान लीजिए नीचे आ रहा है। ऊपर जो बंदर जा रहा है, मान लीजिए कि आपको दिया जाए कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नीचे वाला आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म रफ्तार से, यूनिफॉर्म रफ्तार से। ये मासलेस रॉड है। अच्छा भाई साहब, माना कि यहाँ इस सेक्शन में, मान लो कि ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है, तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ का टेंशन मैंने T1 मान लिया, यहाँ का टेंशन मैंने T2 मान लिया, और यहाँ का टेंशन मैंने T3 मान लिया। आपको क्या बताना है, T1 T2 एंड T3 क्या होगा, है ना, तुरंत बता दीजिएगा। एक बंदर वाला सवाल देख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एफबीडी बनाना है, एफबीडी बनाना है ना। अच्छा, एफबीडी बनाना है। ये वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे, ए से लेके ये वाले एंड पॉइंट तक कोई मास नहीं है, यानी यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आप इस 8 केजी वाले बंदर का एफबीडी बनाएंगे, ये 8 केजी वाला बंदर का एफबीडी बनाएंगे, तो भैया इस पे 80 न्यूटन नीचे लगेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और नीचे क्या लगेगा, T1 जो कि 0 है। ऊपर क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब यह है कि भैया T2 जो है वो 80 न्यूटन है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। T2 अगर 80 न्यूटन है, अच्छा T2 पता लग गया, यहाँ की टेंशन 0 होगी। इस P और A के बीच, A और B के बीच का टेंशन क्या है, 80 न्यूटन है। अच्छा, बीच का कांस्टेंट क्यों मान लिया है, क्योंकि मासलेस रॉड है। इससे आगे क्यों अलग होगा, मैंने कहा बीच में भाई अटैच हो रखा है, कॉन्टेक्ट आ रखा है। अच्छा, अब आप 10 केजी वाले का एफबीडी बना दीजिए। 10 वाले पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा ऊपर T3 लग रहा होगा, नीचे इस पे खींच कौन रहा होगा, T2 खींच रहा होगा जो कि है 80। और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा इसका mg लग रहा होगा, कितना, 100 न्यूटन का। कितना डाला, 100 न्यूटन का। मैंने कहा अच्छा, और जो ये 10 किलो का आइटम है, इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है T3 इधर ऊपर खींच रहा है और 180 न्यूटन जो है नीचे इसको रोक रहा है। जीत यहाँ पे T3 की हो रही है, यानी T3 -180 That is equal to mass into acceleration, यानी कि T3 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके क्या आ रही है, 200 न्यूटन, 200
न्यूटन। तो भैया यहां का टेंशन होगा जीरो, यहां का टेंशन होगा 80 न्यूटन, और बी से लेकर टॉप मोस्ट हिंज पॉइंट तक का टेंशन क्या हो जाएगा आपके लिए T3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 न्यूटन। तो एक सवाल कर लिया है हमने बंदर वाला, तो इस तरह का कोई भी सवाल आए तो कतई परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, लौट जाते हैं अपने बेसिक काम पे जो अपन कर रहे थे, काटने वाले सवाल। क्या काटने वाले? स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, वही अपने लास्ट सवाल है, एक वैरायटी है जिसको अपन अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये काटने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं अपने, है ना, आते रहते हैं, बहुत आसान से, बहुत ही आसानी से आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर लेंगे। हम तो थोड़े टफ लेवल के देख लेते हैं, आपके नीट में आए हुए सवाल तो ऐसे हो जाएंगे आपसे, इट्स गारंटेड। आपको बस समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो सवाल बहुत आसानी से होंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल काटने वाले सवाल, काटने वाले सवाल। अच्छा क्या काट रहे हैं? स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग काट रहे हैं, काटने वाले सवाल। अब जरा ध्यान से देखिए काटने वाले सवाल, काटने वाले सवाल, काटने वाले सवाल की कड़ी में अगर अपन बात करें, मान लो कि मैं एक सवाल लूं आपके लिए, यहाँ पे एक सवाल लूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक और स्प्रिंग लगी हुई है, और ये जो स्प्रिंग है इससे कनेक्टेड है 1 kg का एक ब्लॉक, 1 kg को 2 स्प्रिंग से ऐसे टांग रखा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, और ये इक्विलिब्रियम में है। ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब यार, इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा 10 और इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, तो kx ऊपर लग रहा होगा, kx यानी 2kx जो है वो 10 के बराबर है, इसका मतलब kx की वैल्यू 5, kx की वैल्यू 5 न्यूटन। अरे हाँ के नहीं यार, है ना, 2kx जो है मिलके क्या कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। मैंने कहा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल ये है कि हमें बड़ी सी कैंची लाए और इसको कट कर दिया, टक से कट कर दिया, इसको टक से कट कर दिया। अब आप बताइएगा मुझे कि जब इसको आप टक से कट कर देंगे तो ये जो 5 न्यूटन था इसके अंदर, पहले 5 था इसमें भी 5 था, क्या वो 5 अब 0 हो जाएगा कि 5 वही रहेगा? याद करो स्प्रिंग आलसी होती है पर इतनी भी आलसी नहीं कि खुद कट जाए फिर भी उसमें टेंशन रहेगा। मैंने कहा नहीं, तो क्या सडनली अब टेंशन जीरो हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो 5 न्यूटन था क्या वो अभी भी 5 रहेगा? मैंने कहा जस्ट काटने के बाद भी वो 5 ही रहेगा। मैंने कहा ओ जस्ट आफ्टर कटिंग, फिर आप इसकी एक्सेलरेशन बताइए, जस्ट आफ्टर कटिंग ये इवेंट है, इसमें मैंने कैंची जला दी, कैंची के चलने के जस्ट बाद में, यानी ये स्प्रिंग के कटने के जस्ट बाद में ये वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाइएगा, इधर की तरफ 10 लग रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वाला 5 अब 0 हो गया है और ये वाला 5 एज इट इज लगता रहेगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर ये स्प्रिंग नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग होती तो क्या ये 5-5 रहता? क्या ये 5-5 रहता? या चेंज हो सकता था, क्योंकि वो सडनली चेंज हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग चेंज होने वाला नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है 10-5 है, यानी कि 5 न्यूटन डाउनवर्ड आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 5 / मास कितना है, 1 है, यानी 5 m/s² 5 m/s² जो है ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसका, 1 kg ब्लॉक का जस्ट आफ्टर कटिंग। मैंने कहा एक और एग्जांपल बनाते हैं अपन, एक और सवाल करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लल्लो पल्लो हो गया है। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक स्प्रिंग ली, यहां कनेक्ट कर दिया है मैंने 2 kg का 2m मास का मान लो एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया है, और फिर जो है स्प्रिंग से मैंने एक m मास का और ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, जिनका अच्छा चलाते हैं अपन कैंची। मान लो कि मैं यहां पे कैंची चला दिया, अच्छा ओहो, इसका नाम अनीता रख देते हैं, इसका नाम बबीता रख देते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग,
कटिंग, क्या कटिंग हो रही है यहाँ पे, स्ट्रिंग की कट हो रही है। स्ट्रिंग क्या हो रही है, जो दोनों ब्लॉक ए एंड बी को जो कनेक्ट करने वाली सॉरी ब्लॉक बी और जो ऊपर के सपोर्ट को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग है वो कट हो जा रही है सडनली, एकदम हमने कट कर दिया है। आपसे क्या पूछा है कि भैया आप हमें ए एंड बी का एक्सेलरेशन बताइए। सोचिएगा, कर डालिए, बहुत इजी है, कर डालिए, बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल आप कर डालेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आपको ये पहले पता करना है कि पहले टेंशन क्या क्या थी, कटने से पहले पता कर लीजिए। मैंने कहा कटने से पहले यहाँ पे mg लग रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा था, mg लग रहा था, यहाँ का टेंशन क्या था लाला, यहाँ का टेंशन आपके लिए mg था। मैंने कहा अच्छा, नीचे क्या लग रहा था, यहाँ पे 2mg लग रहा था। ये वाले धागे में टोटल टेंशन क्या थी पहले, मैंने कहा mg तो ये स्प्रिंग खींच रहा है, 2mg ये खींच रहा है, तो ये 3mg था। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ओ हो हो। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये वाली स्ट्रिंग कट गई है, ये वाली स्ट्रिंग कट गई है, तो भैया मुझे ये बताइए ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। मैंने ए की एफबीडी बनाई जस्ट आफ्टर कटिंग, मैंने ए को देखा, ए ने मेरे को देखा, नीचे एमजी लग रहा है, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ऊपर जो स्प्रिंग थी वो पहले इसको एमजी से खींच रही थी। मैंने कहा यहाँ पे घटना घटी है जिससे कि स्प्रिंग कट गई है, मुझे ये बताइए कि क्या इस स्प्रिंग के अंदर का फोर्स एमजी है कि चेंज हो गया है। तो बोले का नहीं यार, स्प्रिंग का फोर्स इंपल्सिव नहीं होता है, सडनली चेंज नहीं होता है, बस एक ही केस में वो सडनली चेंज हो सकता है, जब स्प्रिंग खुद ही कट जाए। अगर स्प्रिंग दोनों साइड से टच हो, बंधी हुई हो, किसी ना किसी ब्लॉक से, सपोर्ट से, दोनों साइड से बंधी हुई है, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स जस्ट आफ्टर में चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एमजी जो था खींच रहा था वो एज इट इज खींचता रहेगा। ये आपका ए है, इसका मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आएगी, 0 m/s², यानी कि ए आपका रेस्ट पे रहेगा। अब आप बताइए कि बी का क्या हालचाल होगा जस्ट आफ्टर कटिंग। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ये जो 2m मास का आइटम है बी, इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा 2mg, है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, कट रहे हो कि मर रहे हो कि जो हो रहा है उन्हें जो, हम तो लगेंगे। अच्छा नीचे जो स्प्रिंग mg लगा रहा है क्या वो एज इट इज लगेगा, मैंने कहा हाँ। अरे ये क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, मैंने कहा ऊपर 0 हो गया भाई साहब सडनली, क्योंकि वो स्ट्रिंग तो कट गई है। ओ ल ल ल, अब आप बताइए मुझे कि खींचने वाला फोर्स क्या है आपके लिए, 3mg है, और मास कितना है 2m है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 3mg डिवाइडेड बाई 2m, तो m ने m की बत्तियां गुल कर दी है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3g by 2 m/s². अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, एक आध सवाल और करते हैं। मान लो कि मैं आपको थोड़ा ब्लॉक ब्लॉक बढ़ाते, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई साहब, बहुत इजी, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको काट देते तो बहुत ही इजी बन जाता। मान लो कि मैं इसको काटता तो क्या होता, ये तो फ्री फॉल कर रहा होता, जी आ जाता, है ना, ये क्या आ जाता, जी आ जाता। मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे ध्यान पूर्वक बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होता, जब आप इसको काट देते क्या ये 3mg रहता कि चेंज हो जाता। मैंने कहा सडनली चेंज हो जाता, क्यों क्यों चेंज हो जाता, क्यों, क्योंकि भैया आप इसको काट दोगे तो जो इसके अंदर का mg है वो तो गायब हो जाएगा, बचा कुचा क्या होगा 2mg हो जाएगा। तो आप बोलोगे और ये तो 3mg था, मैंने कहा ये तो चेंज हो जाएगा भैया, इसके पास चेंज होने का जुगाड़ है, इसके पास चेंज होने का जुगाड़ है ना, वो 2mg हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओहो हो हो हो, है ना। तो एक थोड़ा ठीक करते हैं सवाल को, थोड़ा ठीक करते हैं। हमें पता है कि स्प्रिंग थोड़ी सी आलसी होती है, स्प्रिंग थोड़ी सी आलसी होती है जब वो दोनों साइड से बंधी हुई होती है, जस्ट आफ्टर कटिंग उसमें फोर्स चेंज नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसे एक मास एम कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर एक धागा लगा लेते हैं, धागे से एक एक ब्लॉक लगा लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया 2m मास का, फिर एक स्प्रिंग लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक मान लीजिए लगा देते हैं। ये वाले ब्लॉक का मास मान लीजिए कितना है, 3m है, इसका नाम a दे देते हैं, इसका नाम b दे देते हैं, इसका नाम c दे देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे दो इवेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं,
एक इवेंट मेरे लिए ये है और एक इवेंट मेरे लिए इसको मैं इवेंट वन बोल रहा हूं। पहले मुझे इवेंट वन की सारी जानकारी दे दीजिए। सही बताया ना, मैंने मास दे दिए हैं, नाम दे दिया है। बहुत बढ़िया भाई, सब बहुत शानदार। मुझे जस्ट आफ्टर यानी ये वाला जो धागा है, बी और सी को जो कनेक्ट करने वाला धागा है वो एकदम कट हो गया है, तो ए बी और सी का एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग बताइए। जस्ट आफ्टर कटिंग मुझे ए बी सी का एक्सेलरेशन बताइए। करिए भाई साहब, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई साहब, करना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है। आप जानते हैं कि ये स्प्रिंग के अंदर फोर्स चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साइड से बंधी हुई है। ये स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स सडनली चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि ये भी दोनों साइड से बंधी हुई है। पहले पता कर लें कि वो फोर्स था कितना। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे नीचे लग रहा होगा 3mg और ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका भी 3mg होगा, तब तो ये रुका होगा। ओहो, ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 2mg लग रहा होगा। कटने से पहले ये वाली स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा, 5mg, 5mg। फिर यहाँ पे क्या लग रहा होगा नीचे, mg। इसका मतलब ये वाली स्प्रिंग में फोर्स क्या है, ये वाली स्प्रिंग में फोर्स है 6mg। क्या है, 6mg। यहाँ पे 3mg हो जाएगा, 2mg, 5mg और 5mg में 1mg यानी कि 6mg का फोर्स लग रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें भाई साहब। ये स्प्रिंग को कट कर दिया, ये वाली स्प्रिंग को कट कर दिया, खत्म हो गया खेला। अब आप सी का एफबीडी बनाइए। सी का एफबीडी जब बनाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऊपर जो स्प्रिंग लग रही है वो तो 6mg खींच रही थी और वो 6mg खींचती रहेगी क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों साइड से बंधी हुई है। ओहो, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, अब भी 6mg है। सारे सवालों में जस्ट आफ्टर कटिंग पूछा जाता है एक्सेलरेशन, 6mg जो है, 6mg फोर्स ऊपर लग रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। हो और इसका मास कितना है, सी जो है इसका खुद का मास m है, नीचे इस पे mg लग रहा होगा। और आप बोलो लो 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 लो, ये 5mg वाला किधर गया। मैंने कहा तो धागा ही कट गया, ये तो खेला ही खत्म हो गया है, इसका तो खेला ही खत्म हो गया है। यानी कि ये जो 6mg है वो उसके ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी आ जाएगा 6mg माइनस mg यानी 5mg डिवाइडेड बाई m यानी कि 5g अपवार्ड, 5g मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवार्ड। मैंने कहा अच्छा भाई सब सी का पता लग गया है, आओ बी और ए का पता कर। आइए ए का एफबीडी बनाते हैं। जब आप ए का एफबीडी बनाने जाएंगे, ए का मास कितना है, 3m है, नीचे क्या लग रहा होगा, 3mg। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ऊपर क्या लग रहा था, मैंने कहा ये 3mg एज इट इज रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो एज इट इज है भैया, ये जो स्प्रिंग है ए और बी के बीच की वो एज इट इज है, वो मतलब दोनों साइड से उसके ब्लॉक कनेक्टेड है और वो खुद नहीं कटी है। तो हो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए का एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो। बी का पता करते हैं, अरे बी का एफबीडी बना दीजिए। बी का मास क्या है, अच्छा भाई साहब बी का मास क्या है, बी का मास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2m दिया हुआ है, ये बी है, नीचे इस पे क्या लग रहा है, मैंने कहा 2mg तो लगेगा ही, नीचे वाला 3mg भी लगता हुआ रहेगा क्योंकि स्प्रिंग तो एज इट इज है वो वाली। ओहो, ऊपर जो 5mg लग रहा था अब वो जीरो हो गया है। क्यों, क्योंकि धागा कट गया है, ऊपर वाला धागा कट गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे नीचे इस पे लग रहा है 5mg, मास है इसका 2m, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी इज बी इक्वल टू 5mg डिवाइडेड बाय 2m यानी कि 5g डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड लग रहा है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी पता लग गई क्या, 5g डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक्सेलरेशन ऑफ ए मैंने कहा जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सी मैंने कहा भैया वो होगी आपकी 6mg डिवाइडेड बाई माइनस mg यानी ये वाला 5mg डिवाइडेड बाई m यानी कि 5g मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवार्ड का। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, अच्छा लगा अपने को, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ओहो, अब क्या करते हैं, मैंने कहा इसी सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ कट लगाते हैं पर इस बार कट कोई और लगा देते हैं, यहां न लगा के। मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे कट यहां पे लगा दिया है, कैंची यहां पे चला, ये
ये इसको बोल दिया इवेंट टू, एक इवेंट हो गया। सवाल वही है, जस्ट आप प्रकटिंग ए बी सी का एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी जस्ट आफ्टर कटिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी जस्ट आफ्टर कटिंग। आप पहले पहले तो अपने पहले कटने से पहले ही सब जगह की टेंशन पता कर ली है। मैंने कहा हाँ, ओहो हो हो हो, ये कट गया भाई साहब, यहां से कट गया, यहां से कट गया। मतलब अगर ए की बात करें तो ए का रिश्ता तो ऊपर स्प्रिंग से था और वो भी कट गया, बेचारे का कट गया। तो अब ए को ऊपर तो कोई बुलाने वाला रहा ही नहीं है। आइए ए का आईडी बनाते हैं, आइए जस्ट आफ्टर कटिंग ए की बात करते हैं। ए की बात करेंगे ए का क्या होगा, मैंने कहा ए है खुद ही 3M का, ध्यान रखना कई बार हर बार M के नहीं होते ब्लॉक, M लिख के फिर आप नेटवर्क्स में M से काट दोगे तो गलत हो जाएगा, 2M 3M होगा तो गलत हो जाएगा ना यार, 3M है उसका मास। नीचे क्या लग रहा है, मैंने कहा 3mg है, ऊपर तो खेल ही खत्म हो गया है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा आपका 3mg डिवाइडेड बाय m मत करियो, मास खुद ही 3m है ना, 3m है तो क्या हो जाएगा इसका, फ्री फॉल कर रहा होगा जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्री फॉल कर रहा होगा ए। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ए बी और सी का कैसे पता करे, क्योंकि यार एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये 6mg होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये 6mg एज इट इज रहेगा, ये 6mg में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बंधा हुआ दोनों साइड से, पर ये जो 5mg है, ये जो 5mg का टेंशन है भैया धागे के अंदर, ये तो परिवर्तित हो सकता है, ये तो परिवर्तित हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो धागा है, धागे को पता लगता, धागा वैसा आइटम है कि वो बहुत सेंसिटिव है, बोलने में कहीं और कोई घटना घटित हो गई, वो ऐसी आंटी की, ऐसी आंटी की तरह, आंटी की तरफ है जो बहुत एक्टिव है, तुरंत पता कर लेती है कि उनके वहां पे इवेंट हुआ है, स्प्रिंग बहुत आलसी की, मरने दो पे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला हमारा 6mg रहेगा भैया, हम थोड़ी देर बाद में चेंज हो गए, लेकिन आप वो पूछ नहीं रहे हो, आप तो जस्ट आफ्टर कटिंग की बातें कर रहे हो। ओहो, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये बोलेंगे अरे हमको बस एक ही चीज का लफड़ा लग रहा है कि यार ये जो है वो चेंज होकर कितना होगा, कितना होगा, क्या जीरो भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जो बी और सी है, जो बी और सी के बीच का ये जो टेंशन है, या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या फिर ये नॉन जीरो होगा, कुछ तो होगा ना यार। अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, मैं बात करता हूं बी की। अगर ये जीरो हो गया तो आप बी की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें, मास है इसका 2m, ऊपर की तरफ मान लो कि जीरो हो गया, मान लो कि जीरो हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया इस पे जीरो, अच्छा नीचे जो 2mg है वो तो लगेगा ही भैया, और एक बात बताइए मुझे, वो तो लगेगा ही, और ये स्प्रिंग गायब हो गई है, ये स्प्रिंग कट गई है, तो 3mg खत्म हो गया है, 3mg खत्म हो गया है, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए। आप बोलेंगे साहब 2mg डिवाइडेड बाय 2m, 2mg डिवाइडेड बाई 2m, यानी आपका आंसर आ रहा है जी डाउनवर्ड, क्या आ रहा है जी डाउनवर्ड आ रहा है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। सी का पता करते हैं, सी का पता करते हैं इस वाले केस में अगर आप सी की बात करेंगे तो सी का मास m है। आपने क्या बोला है, आपने ये बोला है कि इसका टेंशन जीरो हो गया है, कौन से इस धागे में, तो धागे का टेंशन तो हो गया जीरो, और नीचे इससे क्या लग रहा होगा mg, वो तो लगेगा ही, ऊपर का 6mg बोलेगा हम तो परिवर्तित हो नहीं रहे हैं, हम धागा थोड़ी है, हम तो स्प्रिंग है जो दोनों ओर से बंधी हुई है, यानी 6mg तो लगेगा ही हमारे अंदर। हमने बोला सी का एक्सेलरेशन पता करते हैं, सी का एक्सेलरेशन हो गया है सी का 6mg माइनस mg, यानी कि 5mg अपवर्ड डिवाइडेड बाय m, यानी कि 5g अपवर्ड। अरे एक बात बताइए, ये जो धागा है b और c को कनेक्ट कर रहा है, यहां आपका b है, यहां आपका c है, ऐसा हो रहा है कि b का एक्सेलरेशन तो आ रहा है आपका g डाउनवर्ड, और c का क्या आ रहा है
5G अपवार्ड। एक बात बताइए, अलोंग धागा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अलोंग धागा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलेंगे सेम होना चाहिए, अरे ये तो नहीं हो रहा है, एक जरा नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, धागा टूट जाएगा ना यार, जो कि पॉसिबल नहीं है। अलोंग धागा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये विचार गलत है। रिवर्स में गए कि ये विचार गलत है, इसका मतलब ये नहीं है, जीरो नहीं है। तो मैंने कहा जो भी है फिर नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, इसका मतलब अगर नॉन जीरो है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो स्लैश नहीं हो रहा, इसमें कुछ टेंशन है, कुछ टेंशन है, मतलब दोनों का सेम सेम। अब दोनों कैसे जा रहे होंगे? सेम सेम यानी साथ साथ में जा रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब बी और सी के बीच में टेंशन है, बी एंड सी के बीच में टेंशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूं। यहां है मेरे लिए बी, यहां पे क्या है, बी है, यहां पे कौन है, यहां पे है मेरे लिए सी। ये थोड़ा थोड़ा ठीक मतलब सवाल है, देख लें। अब यहां की टेंशन जीरो नहीं है, यानी टेंशन जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो है, और ये दोनों साथ साथ जाएंगे, इस बात की गारंटी हो गई है। यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे 6 mg लग रहा है, ओहो हो हो हो, यहां पे इसका मास क्या है, ये आपका सी का मास m है और आपके बी का मास 2m है, बी का मास क्या है 2m है, नीचे इस पे क्या लग रहा है 2 mg लग रहा है, ये वाला स्प्रिंग तो कट गया है यानी 2 mg लग रहा है, और यहां का टेंशन जो है इस पे टी ऊपर लग रहा होगा, इस पे टी नीचे लग रहा होगा, बाकी यहां पे mg लग रहा होगा, और जो भी एक्सेलरेशन होगा बी और सी का वो सेम होगा। अगर आप ध्यान से देखें 6 mg ऊपर खींच रहा है, 3 mg इनको रोक रहा है, 6 mg ऊपर खींच रहा है, बाकी ये 10 इस पूरे को अगर आप सिस्टम ले लेंगे, यानी अगर आप ए एंड सी को सिस्टम ले लेंगे तो क्या होगा, 6 mg बोल रहा है कि जाओ 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 ऊपर खींचते हैं, 2 mg और ये mg, यानी कि m और m है, यानी कि m और m 3m हो गया, 3 mg इसको नीचे रोक रहा है, बाकी टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स हो गया TNT, कट जाएगा, ओहो हो, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, और फोर्स क्या होगा ऊपर की तरफ, 6 mg - 3 mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू 6 mg - 3 mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो कि है m और 2m, 3m, यानी कि 3mg डिवाइडेड बाई टोटल मास हो गया 2m प्लस m, यानी कि 3m, 3m से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया है जी अपवार्ड। क्या आंसर आ गया है, जी अपवार्ड। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, एक आपके पास आंसर था उसमें कोई दोराय नहीं है कि जी डाउनवार्ड आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आ रहा है आपका जी अपवार्ड। क्या आप टेंशन पता कर सकते हैं, क्या अब आप टेंशन पता कर सकते हैं? मैंने कहा किसी का भी एपीडी बना दो, मान लो कि मैं बी का एपीडी बनाता हूं, यहाँ पे बी का एपीडी बनाता हूं, बी का एपीडी बनाता हूं, बी का एपीडी देखिए जरा ध्यान से, बी मास क्या है इसका 2m है, मास क्या है 2m है, बी का मास है 2m, बी का मास है 2m, बी का मास है 2m, नीचे इस पे क्या लग रहा है 2mg, नीचे क्या लग रहा है 2mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन क्या है इसका जी अपवार्ड है, इसका मतलब टेंशन माइनस 2mg इज इक्वल टू मास 2m इंटू जी, यानी टेंशन आ गया है आपके लिए 4mg टेंशन होगा, एडजस्ट हो गया है टेंशन, पहले कितना था 5mg, चेंज हो गया कितना आ गया है 4mg। ओ अगर आप सी का एफबीडी बनाएंगे, यहीं पे अगर आप सी का एफबीडी बनाएंगे तो सी के साथ क्या हुआ है बताते हैं, सी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर क्या लग रहा है 6mg, नीचे क्या लग रहा होगा इसका, नीचे जो है इस पे mg लग रहा है, और टेंशन कैसे लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा ना इस सी पे, कि कितना लग रहा होगा 4mg लग रहा होगा, सी है ये अपना, मास m है ये सी है, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा भाई साहब, 6mg और -5mg, बचा क्या है mg by m, यानी आ गया ना जी एक्सेलरेशन अपवार्ड, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही तो बोल रहे हैं कि भैया दोनों का एक्सेलरेशन बी एंड सी का 6g जो है अपवार्ड होगा। तो जहां पे ऐसा केस आ जाएगा आपको दो केस लेने होंगे, या तो टेंशन जीरो है या नॉन जीरो। पहले जीरो वाले से चेक कर लो, अलोंग द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन, सेम आना चाहिए, है ना, अलोंग द एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। एक और चीज है,
अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ये वो और वो तब जब स्लैक नहीं हो रहा हो, है ना। अच्छा अगर मान लो कि यहां पे मैंने कंफर्म कैसे बोल दिया कि ये कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भैया आप जी से इधर जा रहे हो, 5 mg से उधर जा रहे हैं, अबे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना, धागा टूट नहीं जाएगा, है ना, है कि नहीं है? अगर स्लैक हो रहा होता तब बात अलग होती है कि नहीं है? अच्छा भाई तो ये केस पॉसिबल नहीं है, अलोंग धागा सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया जो है ये पॉसिबल नहीं है, धागा टूट जाएगा ना यार, है ना, अलोंग धागा जो है एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो टेंशन यहाँ पे चेंज होगा, टेंशन चेंज होगा कि कितना हो जाएगा, मैंने कहा पहले था आपका 5 mg जो कि चेंज होकर 4 mg हो जाएगा, है ना। इस तरह के खूब सवाल बनाए जा सकते हैं, हाँ रिविजन वीडियो है इसलिए मैं एक सवाल दो तीन सवालों के बाद रुकता हूँ, एक और थोड़ा इससे टफ देख लेते हैं। अगर आपको फिर भी इस तरह के किसी सवाल में मतलब डाउट्स रहते हैं तो अपना जो है 7 lectures का NLM मिलेगा आपको, 7 lectures का NLM कहाँ पे मिलेगा? YouTube पे मिलेगा, हो सकता है बगल में JEE लिखा, है ना, उसके लेक्चर्स के लास्ट में 7, 5, 6, 6, 7 है या नहीं 5, 6 के अंदर अपने काटने पीटने वाले खूब सवाल किए। अरे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2, 3, 4, 5 और भी लिए जा सकते हैं, अब तुम्हें जानते वाले रिविजन वीडियो है यार, फिर मैं 4-5 एग्जांपल लूंगा तो क्या काटने वाले सवाल ही बताता रह जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सवाल आपसे खूब सारे हो जाएंगे। आप बोलो तो एक और टफ सवाल भी देख लो, इन मतलब ये वाले लेक्चर्स के लास्ट में जाएंगे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो वहां पे आप और सवाल देख सकते हैं। बाकी बता दो, बहुत ज्यादा टफ सवाल हमारे नीट में आते नहीं है, है ना। एक और अच्छा सवाल कर लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का, फिर अपन जो है ये खेला को खत्म डिक्लेयर करते हैं। मान लो कि थोड़ा वेरिएशन लाते हैं अपन, थोड़ा अलग टाइप का सवाल करते हैं, और फिर जो है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की रिवीजन को खत्म डिक्लेयर करते हैं। यहां पे काटने वाले सवाल मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक अच्छा सवाल है, बहुत जस्ट आपको बता रहा हूं कि इतना टफ भी थोड़ा टफ बना दिया मैंने ऐसे ही लास्ट सवाल ऐसे करके, बाकी उतना टफ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप होनहार बच्चे हैं इसलिए बता रहे हैं, आप होनहार बच्चे और टॉप रैंक के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। एक आठ टफ देख लेते हैं। मान लो कि मैंने एक मास एम की बॉल लिया है, उसको एक धागे से ऐसे बांध लिया, और थोड़ा और टफ कर लेता हूं, इधर स्प्रिंग लगा देता हूं, इधर स्प्रिंग लगा रखी है, इधर धागा लगा रखा है, ये एंगल जो है मान लीजिए कि भैया ये एंगल आपका 37 degree है, ये वाला एंगल भी 37 degree है, ये बॉल रुकी हुई है, आपको सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए। सिस्टम कैसा है भैया? ऐसा है, एक बॉल है जिसका मास m है, उसको एक धागे से और एक स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से इस तरह से इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है, धागा कटेगा, स्प्रिंग कटेगा, थोड़ा पहले ऐसे सीधा रहता था, अब थोड़ा एंगल पे रख के टप बना दिया, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है ना यार, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा अलग अच्छा है। तो लास्ट सवाल है ऐसे ही बताते हैं, मतलब मेरा कोई उद्देश्य आपको डराने धमकाने ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आप कॉन्सेप्ट जितना बताया उससे मेजॉर अपने सवाल हो जाएंगे, अपने को क्लियर है भाई साहब कि नीट में बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं, जो आते हैं उनको टक से सॉल्व करना हमें आना चाहिए, यानी हमारी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होने चाहिए, हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको देखा सही सवाल मिलेगा, इट्स गारंटीड, मतलब है ना, तभी लोग 720 में 720 ला पाते हैं, वरना कभी जाइए एडवांस में तो नहीं लाते ना फुल मार्क्स। अब तो आप समझ गए कि स्टोरी है क्या है ओरिजिनली। अब आप ध्यान से देखें तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो हमें पता है इस तरह के काटने वाले सवालों में पहले टेंशन वगैरह पता कर लेते हैं, पहले टेंशन वगैरह पता करते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा? इस पे mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। माना कि यहां की टेंशन T1 है, यहां की टेंशन T2 है, हालांकि सिमेट्री है तो T1 = T2 = T मान लेता हूं, है ना। माना कि थोड़ा टफ करता मैं 37 degree और ये 53 देता, तो फिर T1 एंड T2 अलग अलग आती, है ना। अरे ठीक है, क्या होता, T1 और T2 के इधर वाले कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहे होते और ये वाले कंपोनेंट आपस में बैलेंस कर रहा होते ना यार, सॉल्व करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल से T1 एंड T2 आ जाता ना, आ जाता। यहां पे क्या होगा, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो TTE है, T cos 37 degree को कट कर लेगा, वरना
फिर आप क्या लिखते टी वन कोस 37 डिग्री इज इक्वल टी टू कुछ और एंगल ले लो 53 डिग्री उसके बराबर होता, और ये वाले कंपोनेंट साइन वाले क्या करते mg को बैलेंस करते, क्या सॉल्व करके टी वन एंड टी टू आ जाता मैंने कहा, लेकिन मैंने आसानी के लिए 37 डिग्री लिया है। ऊपर वाले कंपोनेंट दोनों के एड हो जाएंगे यानी कि टी साइन 37 डिग्री, टी साइन 37 डिग्री का ट्वाइस जो होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दोनों के कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि टी कॉस थीटा कट जाएगा, टी साइन थीटा जो है वो आपका जो है ऐड हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत, ओहो हो हो हो, तो यहां से आपके पास 2t sin 37 डिग्री, क्या साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5 होता है, दैट इज इक्वल टू mg। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू आ रही है 5 mg/6 है, 5 mg/6 मीटर न्यूटन, इतना आपका टेंशन आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार, अब क्या कर रहे हैं हमें सवाल तो बताइए। मैंने कहा आइए कांड करते हैं, पहले स्ट्रिंग काट देते हैं हम, इस स्ट्रिंग को काटने का विचार है तो इसको कट कर दिया, टक से इसको कट कर दिया, आपसे बोला है जस्ट आफ्टर इवेंट वन, ये आपका इवेंट वन हो गया है, एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर इवेंट वन, और इवेंट वन है, इवेंट वन में क्या किया है हमने, इवेंट वन में ये धागा काट दिया है। अच्छा मैं इजी करना होता, एक धागा लगाता दो पहले, एक धागा दो स्प्रिंग फिर और टप करना स्ट्रिंग और स्प्रिंग, तो मैंने दोनों ही डाल दिए ताकि दो ही सवाल इसमें बना दूं। अब जरा देखना, अब मुझे ये बात बताइए कि जैसे ही आप इसको काटेंगे क्या टेंशन जीरो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, पहले कितना था, इतना था, जस्ट आफ्टर कटिंग मुझे ये बताइए ये बॉल के ऊपर इधर का टेंशन जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अच्छा इतना टेंशन इधर लग रहा था, यानी ये वाला जो टेंशन है आपके लिए क्या वो अब B5mg/6 ही होगा। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो दोनों एंड से बंधी हुई है और दोनों एंड से बंधी हुई स्प्रिंग के अंदर टेंशन में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता तो उतना ही रहेगा भैया, नीचे जो mg लग रहा है वो तो एज इट इज लगता रहेगा। अब बताइए कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, मास इसका m है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय m ही तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। पहले क्या ये पूरी इन तीन फोर्स, ये फोर्स के अंदर इनके अंदर द इन्फ्लुएंस क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। एक बात मुझे एक आसान सा सवाल बताइए वेक्टर का, मान लो एक बॉडी है जिसपे F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है वो नल वेक्टर आ रहा है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मान लो कि मैंने F1 हटा दिया या मान लो कि मैंने F2 हटा दिया, मान लो कि मैंने F1 हटा दिया, मैंने F1 गायब कर दिया, अब क्या बचा, अब मेरे पास इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा F2 प्लस F3। अच्छा F2 प्लस F3 की वैल्यू अगर यहां से पता करें तो यहां से क्या मैं F2 प्लस F3 की वैल्यू को माइनस ऑफ F1 भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, अरे क्या हुआ, आपने F1 को हटा दिया तो F1 ही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट टू F1। अरे हाँ, क्योंकि F1 को हटाया उसके बराबर उसके इक्विवेलेंट, अरे इन दोनों का रिजल्टेंट F1 के बराबर ही आया होगा, मैग्नीट्यूड में अपोजिट टू F1 आया होगा, तभी तो रिजल्टेंट जीरो हुआ होगा यार। अब आप F1 को हटा दोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो F1 ही आएगा, लेकिन अपोजिट टू द F1 आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो इससे मैं क्या सीखा, मैंने कहा ये पहले इक्विलिब्रियम में थी, ये फोर्स था, आपने क्या किया, ये फोर्स एज इट इज है, ये वाला फोर्स खत्म कर दिया है, तो भैया नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का इधर ही आने वाला है, जस्ट इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में आएगा, और वो फोर्स होगा क्या, मैंने कहा वो फोर्स तो जो हटाया उसके बराबर ही था, और जो हटाया है वो तो आपका 5 mg/6 ही था, तो यही आपका नेट फोर्स हो जाएगा।
तो नेट एक्सेलरेशन वाई इधर की तरफ होगा और कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बताइए भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बताइए, आप बोलेंगे साहब साहब फोर्स है आपका 5mg/6 और मास है m, एक्सेलरेशन आएगी आपके लिए 5g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पता लग गया है, डायरेक्शन पता लग गया है, ये स्प्रिंग के जस्ट अपोजिट टक 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 इधर की तरफ होगी एक्सेलरेशन और इतनी होगी 5g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसको काटा है मैंने, इसको काटा है स्प्रिंग, इस वाली स्प्रिंग को काटा है, किसको काटा है स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग के फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मजा तो तब आएगा जब मैं स्प्रिंग को काटूंगा तो स्प्रिंग के अंदर का फोर्स चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग के अंदर का फोर्स चेंज हो जाएगा। तो नया सवाल बनाते हैं, नया सवाल बनाते हैं, इसी में आप इवेंट टू कर दीजिए, क्या क्या कीजिएगा इवेंट टू, और इवेंट टू क्या है, इवेंट टू है भाई साहब ये वाला, ये आइटम को काट दिया हमने, इसको काट दिया यानी कि स्प्रिंग को काट दिया है, स्प्रिंग एज इट इज है, स्प्रिंग एज इट इज है, मैंने स्प्रिंग को काट दिया। थोड़ा टफ सवाल ऐसे ही बता रहा हूं जस्ट, और आप बस इस सवाल को देख लें और बाकी काटने पीटने वाले सवाल देख लें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सब सवाल आप कल कर लेंगे, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, सोचिएगा सोचिएगा, जैसे ही आपने इस वाली स्प्रिंग को काटा मैंने कहा ये तो खेला ही खत्म हो गया भैया, बचा कुचा कार्यक्रम अब क्या है, बचा कुचा पहले का आपको पता है ना टेंशन क्या आया था आपके लिए, पहले का टेंशन है तो आपने पता कर लिया, दोनों के अंदर सेम था, क्या था 2t sin 37 degree यानी कि 3/5 = mg था, तो पहले का टेंशन आपके पास था 5mg/6 इतना था। अब आपने जैसे ही इस वाली स्प्रिंग को काट दिया तो अब हुआ क्या है जरा ध्यान से देखिए, अब बचा ये है, इसमें पहले टेंशन था भाई साहब, जस्ट कटने से पहले यहां का टेंशन इसके बराबर था, लेकिन क्या अब भी इतना रहेगा, मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो धागा है और धागा वो है पड़ोस में कोई घटना भी तुरंत पता लग जाता है, ये बहुत तकड़ी है, मतलब इसको पता लग जाता है पड़ोस में घटना कौन सी हुई है, बहुत एक्टिव है, तो क्या अब भी इसके अंदर टेंशन इतनी रहेगी, मैंने कहा नहीं अब इतनी टेंशन रहने वाली नहीं है, तो कितनी होगी, तो कितनी होगी, मैंने कहा आओ पता करते हैं, नीचे इस पे फोर्स क्या लग रहा है mg लग रहा है, नीचे इस पे फोर्स क्या लग रहा है mg लग रहा है, यहां पहले स्प्रिंग हुआ करती थी, यहां पे पहले क्या हुआ करती थी स्प्रिंग हुआ करती थी, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब जरा अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल है आपका 37 डिग्री, ये है आपका वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है, ये एंगल आपके लिए 53 डिग्री हो गया, यानी ये वाला एंगल है आपके लिए 37 डिग्री, वाला एंगल क्या है 37 डिग्री। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं mg के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक इस धागे के अलोंग और दूसरा इस धागे के परपेंडिकुलर, दूसरा इस धागे के परपेंडिकुलर इस तरफ कर रहा हूं, एक कौन से धागे के, इस धागे के, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, इधर वाला कंपोनेंट आएगा mg cos 53 डिग्री, क्या जाएगा mg cos 53 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा mg साइन 53 डिग्री, क्या हो जाएगा mg साइन 53 डिग्री। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो हो हो हो, ये mg के दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, वन इज अलोंग दिस धागा, ये धागा है यहाँ पे आपका क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे जो mg लग रहा है इसके दो कंपोनेंट कर दिए, इधर वाला कंपोनेंट आ रहा है आपका mg cos 53 डिग्री यानी 3mg/5, इधर क्या लग रही होगी टेंशन, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर अगर अपन बात करेंगे साइन 53 डिग्री यानी 4mg/5 लग रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए आपको कि क्या ये धागा उधर की तरफ भाग सकता है, क्या ये बॉल उधर की तरफ भाग सकती है, मैंने कहा नहीं ये तो बंधी हुई है, तो अगर ये 3mg/5 है तो उसकी उधर की तरफ एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, इसका मतलब टेंशन सडनली एडजस्ट हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी 3mg/5। अगर ये टेंशन इसको बैलेंस कर देगी, इधर की तरफ इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रोकने वाला नहीं है, फोर्स क्या है 4mg/5 है, फोर्स क्या है 4mg/5 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसकी क्या हो जाएगी इधर की तरफ होगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल की अगर बात करें जस्ट आफ्टर कटिंग तो होगी आपकी 4mg/5 / m यानी कि
4g by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखें तो पहले टेंशन आपकी थी 5mg by 6 इसमें है ना, जस्ट कटने से पहले टेंशन इस वाले धागे में थी 5mg by 6 जो कि एडजस्ट होके तुरंत बाद में क्या हो गई है 3mg by 5। ये एडजस्ट हो गई है क्योंकि ऐसा कर सकता है क्योंकि वो धागा है जिसमें फोर्स सडनली चेंज हो सकता है जब ये दोनों साइड से बंधा हो तब भी। लेकिन यही अगर स्प्रिंग होती तो ये चेंज होने वाला नहीं था, ये इतना ही रहता। तो आप समझ गए कि थोड़ा डिफिकल्ट कर लें कि थोड़ा सा अपन जो है नीट से प्रो लेवल में चले गए, एम्स बोल सकते हैं, अभी एम्स है नहीं तो मान लो कि भाई थोड़ा टफ लेवल की बात कर सकते हैं। बाकी वैसे वाले सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। एक आठ टफ सवाल भी देख लिया, इसको क्या और टफ किया जा सकता है? इनका बिल्कुल किया जा सकता है, अगर आप ITJE के एस्पिरेंट होते तो किया जा सकता है। हमने किया भी है वहां पे जहां पे हमने ITJE के लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख लो, इंक्लाइन प्लेन पे रख लो, है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है, मतलब बहुत सारा टाइम पास। तो अगर अपन काम की बात करें तो हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ऊपर की साइड में देख लिया है। काटने वाले सवाल भी यहाँ हो गए, काटने वाले सवाल भी अपने पास यहाँ पे होते हैं खत्म। और हमको लगता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज कोई बात बची नहीं है जिसको हमें रिवाइज करना चाहिए। बस इतनी सी बातें, कुछ मैं अगर शॉर्ट एंड प्रिसाइज में सारी बातें करूं तो क्या है, बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की स्टार्टिंग होती है फोर्स के साथ। किसके साथ? फोर्स के साथ। पुश एंड पुल क्या होता है? फोर्स होता है। अच्छा, पहले हम बात पढ़ते थे भैया, वो जो पढ़ रहे हैं उसमें स्टडी ऑफ मोशन थी, लेकिन विदाउट नोइंग द कॉज, अब कॉज पता करने लगे हैं। और फोर्स बेसिकली जो है, फोर्स से हमें पता लगा, फोर्स जो है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी MLT-2 ये वो, ये सब बातें करने लगे हम। फोर्स की तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर अपने बात आ गई इनर्शिया के बारे में, बात की फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ जिसको बोलते हैं, सेकंड लॉ की बात की, वहां से F=dp/dt, वहां से F=ma प्रूव किया अगर मास कांस्टेंट हो, फिर थर्ड लॉ की बात की, और फिर जो है अपन इक्विलिब्रियम पे गए, तरह तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में बात की यहाँ पे, ज्यादातर सवाल हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। फिर अपन आगे चले गए, FBD वगैरह बनाना सीखे, फिर अपन ने बातें की कंस्ट्रेंट मोशन की, तीन तरह के कंस्ट्रेंट के बारे में बात की, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर अगर अपन बात करें तो हमने जो डायनामिक्स के सवाल हैं, यानी कि बॉडी चल रही हो उसके वाले बात किए, कंस्ट्रेंट प्लस मिक्स करके अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। कंस्ट्रेंट की जरूरत तब होती है जब अपने सॉल्व करने बैठे तो एक आध इक्वेशन की कमी पड़ती है, तब अपन कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। फिर फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो नए फोर्सेस हमने जो सीखे हैं वो है नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स, है ना। ये वाले फोर्सेस हमने नए सीखे, एक और नया फोर्स जस्ट हमने अगले वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं, मतलब सीधे हमने सीखा है जस्ट उसको रिवाइज करने वाले, फ्रिक्शन। और फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने बातें की है स्प्रिंग की, और बातें की है स्ट्रिंग की, विंग मशीन की बात की है ना, कि एक टेंशन मेजर करती है, एक नॉर्मल मेजर करती है। हमने रेफरेंस फ्रेम की बात की कि न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है, उसको वैलिड करवाया जा सकता है बाय कंसिडरिंग ए सूडो फोर्स, कितना होता है मैग्नीट्यूड, कहां लगता है और क्या होती है उसकी डायरेक्शन, उसको यूज करके किस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है, ये बात की। फिर हमने लिफ्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, और फिर कुछ सवाल जो स्प्रिंग और स्ट्रिंग को इन्वॉल्व करके करवाए जा सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट जो है लास्ट में ये जो स्प्रिंग और स्ट्रिंग को कट करने वाले सवाल। मैं ये नहीं बोल रहा कि सवाल खत्म हो जाते हैं, सवाल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं जिनसे आप सारे सवाल सॉल्व करते हैं वो इतने ही हैं, और इनसे अपन सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप जो है आप पुराना भले कितना ही उड़ा हुआ हो जो भी हो, इन एक बार इन सारी चीजों को रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास पुराने नोट्स अच्छे से हैं तो मतलब जो ये पढ़ाया गया चार लेक्चर्स में वो तो पढ़ना ही है, पुराने जो लेक्चर्स हैं वो भी आप मतलब जो नोट्स है उसके देख लीजिए, अभी जो पढ़ाया ना चार लेक्चर्स में जो भी है, इससे आप है ना कर सकते हैं सवाल, सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपने समझ लिया तो सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इतने ही है मतलब, है ना, सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। आप 30 जो भी 33 इयर्स या जो भी 32 या जो
बुक जो आपके पास अवेलेबल है, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आप सोल्व करेंगे पहले पहले। फिर आप क्या करेंगे, आपने जो बुकलेट सोल्व की है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, उसको सारा सोल्व कर डालिए, जो पहले आपने सोल्व किए, जो जो सवाल इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं उनको बहुत अच्छे से आपकी बार डील कीजिए। शायद जो पिछली बार जब आप उन सवालों को सोल्व कर रहे थे तब फंस गए थे, लेकिन अब आप टक से कर लेंगे। मास्टर को इस बात का आपसे उम्मीद है और आप विश्वास भी है कि आप ऐसा कर लेंगे। और हाँ, ये नहीं बोल रहा कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा, एकदम प्रो हो गया है। अरे आएगा डाउट ना, तो अभी तो रिवाइज कर रहे हैं ना, अभी तो टाइम बचा हुआ है ना, तो जो डाउट आ रहा है उसको डिस्कस कीजिएगा, उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है। यहां तक डाउट था चलेगा, अब हमें कोई डाउट नहीं रखना है। रिवीजन करने का मतलब यही होता है कि जो बचा कुचा या जो चीजें हमारी वीक है, जो हमें अभी भी समझने की जरूरत है, उसको समझेंगे, और जो वीक है उसके ज्यादा सवाल सोल्व करें, उसके ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल सोल्व करें, उस पर हर तरह के सवाल सोल्व करें। अच्छा, स्प्रिंग काटने वाले में दिक्कत आती, तो उसके 10-15 सवाल अलग अलग तरह के कर डालें, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ नहीं है यार, बहुत तेजी है, बस ऐसे ही तो ऐसा लगेगा अगर पहले ऐसे डर रहा था, बहुत आसान चीज थी, ऐसे ही डर रहा था पहले, है ना। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है यार, बस सवाल ही बनाने होते हैं। अपन बात करेंगे एक दो लेक्चर में फ्रिक्शन के सवाल और किस तरह की वैरायटीज के सवाल रहते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी बातें अपन करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे आगे जो भी चैप्टर से सारे आप जो है आप क्या करते रहें, प्रीवियस ईयर ऑल कंप्लीट, मतलब कंप्लीट एम्स एम्स के भी सवाल आपके पास है तो लगा डालिएगा, है ना, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वाइज तो नया कुछ नहीं पढ़ना है ना। फिजिक्स में तो आपको क्या करना है, सवाल ही तो सॉल्व करने हैं यार। अब ये थोड़ी है कि एनएलएम में कुछ आपको याद करना है, फोटो बनाना है, खूब सारे रिएक्शंस है, कलर्स है, नाम है, ये क्लासिफिकेशन है, मतलब वैसा सब्जेक्ट नहीं है, हमारे में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है बस, क्या कितनी तो कुछ फॉर्मूला वगैरह थोड़ी ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा ज्यादा आप सवाल सोल्व करें और पूरी ईमानदारी से सवाल सोल्व करें, और फिर मतलब जो डाउट आए उसको डिस्कस करें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन फाइनली चलते हैं, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।